हेलो दोस्तों, मैं यशवंत, एक पंप मोटर का मैकेनिक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक वाटर पंप फॉर इरिगेशन के बारे में, जिसका यूज आप सिंचाई के लिए कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों के लिए आज मैं ये पंप लेके आया हूँ, जिससे आपके अनाज और फसलों की सिंचाई आप आसानी से कर सकते हैं। और घरेलू तथा कमर्शियल यूज में भी इसका यूज आप कहाँ कहाँ पर करेंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी जो है मोटर बॉडी जो है किस धातु की बनी हुई है, किस कौन सा फोर्स्ड बॉडी इसमें लगा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और इंपेलर किस धातु का बना हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हाई प्रेशर डिस्चार्ज जो है पंप, जिसको कि आप हर एक जगह यूज कर सकते हैं कृषि और बागवानी के क्षेत्र में, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके और पंप के बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लाल बटन को दबा करके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए किसान भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दो एचपी का डुगर कंपनी का जो है इलेक्ट्रिक वाटर पंप, जो कि आपको सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा एक पंप रहने वाला है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात है, ये जो है अलग ही एक ब्रांड है, डुगर ब्रांड है। कलर आपको ब्लू कलर में ये मिल जाएगा। तो स्पेसिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जो है इस पंप का यूज़ जो है कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इसका यूज आप घरेलू तथा कमर्शियल यूज में कर सकते हैं, जैसे कि आपके हॉस्पिटल हो गए, जैसे कि कोई कार्यालय हो गए, जैसे कोई फार्म हाउस हो गया, होटल में आप इसका यूज कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में आदि में जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं इसके कि इसकी जो मोटर बॉडी है वो जो है फोर्स्ड FZ200 की है, जो कि बहुत अच्छी एक मोटर बॉडी मानी जाती है। और इंपेलर आपको इसमें जो है कास्ट आयरन का मिलने वाला है, बहुत अच्छा जो है इसमें हाई प्रेशर वाटर पंप है ये, और हाई डिस्चार्ज देने वाला पंप है, जिसका यूज कि आप जो है कृषि और बागवानी क्षेत्र में जो है कहीं भी यदि आपके पास कोई सिंचाई योग्य भूमि है, सभी किसान भाइयों के लिए मैं ये लेके आया हूँ। चाहे आप कृषि से संबंधित हो, चाहे आप बागवानी से संबंधित हो, आप जो है इस पंप का यूज जो है कर सकते हैं। और अब स्पेसिफिकेशन में बात कर लेते हैं इसकी मटेरियल की। तो मटेरियल इसमें कास्ट आयरन का लगा हुआ है। पावर सोर्स इसका जो है अल्टरनेट करंट है। डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई ये 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ये 18 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी जो है 20 सेंटीमीटर रहने वाली है। और वेट भी ज़्यादा नहीं रहने वाला है, वेट इसका जो है 35 केजी का रहने वाला है। और पावर सोर्स पावर जो है 2 HP की है, और सिंगल फेज के ऊपर चलने वाला पंप है। 180 से लेकर के 240 वोल्टेज तक आप जो है आसानी से इसको चला सकते हैं। और जो सिंगल फेज आपके घरों में यूज की जाती है, वहीं से आप प्लग से इसको जो है चला सकते हैं। साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इनलेट और आउटलेट जो इसका डाया है 3x3 इंच का रहने वाला है, जो कि बहुत अच्छा एक प्रेशर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यदि आपको भी इस तरह का कोई पंप चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के चेकआउट करके आप ले सकते हैं। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और उसके बाद बात करते हैं यदि आपको इस तरह का कोई पंप चाहिए तो उसके लिए आपको मॉडल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडल नंबर इसका 2 HP 3x3 इंच है, और फ्लो आपको जो है पानी का फ्लो जो है 5000 पर आवर के हिसाब से जो है आपको इसमें पानी का फ्लो मिलेगा। और मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो उषा लिमिटेड का ये जो है मैन्युफैक्चरर है। और उसके बाद यदि आपको इस तरह का कोई पंप चाहिए तो मैं आपको बाय मेल आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल आईडी नीचे स्क्रीन में दे दूंगा, वहां पे यहां से आप जो है देख सकते हैं। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। प्राइस ये आपको यदि आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो 18,000 रुपये का मिलेगा, मार्केट से यदि आप खरीदते हैं तो थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और हमारा भी एक मैसेज कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।